हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ रिमाइंडर। देखो, कहता है क्या है कि अब की बारी हमने लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं। तो याद रखना बेटा, अगर लास्ट वन डिजिट निकालना है, अगर लास्ट लास्ट डिजिट निकालना है आपने, राइट, लास्ट डिजिट को हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। अगर यूनिट प्लेस आपने निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 10 से, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपने लास्ट के दो डिजिट निकालने हैं बेटा, लास्ट के अगर आपने दो डिजिट निकालने हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आप उसको डिवाइड करोगे 100 से, और जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। लेट से आपने लास्ट के थ्री डिजिट निकालने हैं, तो इन दिस केस यू नीड टू डिवाइड द होल एक्सप्रेशन विद 1000, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपके लास्ट के तीन डिजिट होंगे, राइट। तो रिमाइंडर 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के दो डिजिट निकलते हैं, और 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकालते हैं लास्ट का एक डिजिट निकलता है, 1000 से करते तो लास्ट के जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने ही लास्ट के तीन डिजिट निकलेंगे। चलो ठीक है, दैट मीन्स कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। भाई 205 को 100 से करते हैं तो 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से 117 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से 9 आ जाएगा, राइट, डिवाइड बाई 100 है, जिस आई एम टेकिंग द रिमाइंडर, राइट। सारे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये बन जाएगा यहाँ से 17 × 5 बन जाएगा 85, 85 यहाँ से रह गया क्या 9, यही चीज़ होगा भाई। 100 से 85 को डिवाइड करूँ तो -15 रिमाइंडर आएगा, 9 को 100 से डिवाइड करेंगे 9 ही रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ले लिया, तो 15 9 होता है 135, 135, बट ये नेगेटिव है बेटा, क्योंकि बाहर जो है नेगेटिव सिंबल है। तो इन शॉर्ट आपका रिमाइंडर अभी क्या आया है, आपका रिमाइंडर आया है -135। भाई रिमाइंडर कभी भी 100 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको दोबारा 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब दोबारा अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 35 ऑफ नेगेटिव, -35 रिमाइंडर आ गया। बट भाई फिर से वही कहानी है, पहला केस तो कभी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, दूसरा केस वो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो पॉजिटिव बनाने की कहानी बहुत आसान सी है। वो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जो भी डिवाइजर है, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर जो आया है माइनस कर दो। तो डिवाइजर मेरे पास 100 है बेटा, 100 में से मैं माइनस कर दूंगा 35, तो आई थिंक 100 मेरे पास पॉजिटिव 65 आ जाएगा, राइट। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है यहाँ पे, आई थिंक लास्ट वन वाका बन रहा हो।